वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप क्या सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि दीदी आपके पीछे गिटार है। हाँ जी, ओके ओके, आप चाहते ना कि मैं आपके लिए गिटार थोड़ा बहुत बजा के दिखाऊं? यार आपके लिए तो जान हाजिर है मेरी। वेट अ सेकंड, ये रहा मेरा बैंगनी गिटार। 1 2 3 4। अब ये मत पूछना कि मेरा गिटार पियानो जैसा साउंड क्यों करता है। देखो कुछ जवाबों के सवाल नहीं होते। मेरे कुत्ते को भी मेरा गिटार बजाना अच्छा लगा। आप इस वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज हम बहुत ही स्पेशल सर्विस चैलेंज करने वाले हैं। क्या ये वन कलर सर्विस चैलेंज होने वाला है? नहीं। क्या मैं ब्यूटीफुल और स्मार्ट हूँ? नहीं। क्योंकि ये होने वाला है एक मिस्ट्री कलर सर्विस चैलेंज। अब नहीं समझे ना, कोई बात नहीं, रुको जरा, सब्र करो। इसका ये मतलब है कि आशी कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज में हम अलग अलग के कपड़े पहनेंगे, अलग कलर का खाना खाएंगे, अलग कलर का मेकअप करेंगे, और एक कलर हम कैसे चूज करेंगे इसके साथ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है। मोमो को लगता है कि ये इसके लिए है। So, ये वाली एक कैंडी मशीन है, इसके अंदर हम रंग बिरंगी कैंडी डालेंगे और जो भी कलर नीचे आएगा ना उसका हम खाना खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे और मेकअप खरीदेंगे। सबसे पहले इसके अंदर कैंडी डालते हैं। आज के सुबह से चैलेंज में मुझे कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, देखते हैं कौन सा कलर निकलता है। इसका ये मतलब है कि आज मुझे ग्रीन कलर के कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे। इस बार मुझे नकली कलर वाले बाल नहीं पहनने, तो इसे पूछते हैं कि मुझे कौन से कलर का मस्कारा लगाना चाहिए। देखते हैं कौन सा कलर आता है। ओह, ब्लू कलर। मैं ब्लू कलर का मस्कारा कहाँ से लेकर आऊंगी। नेल पॉलिश का भी पूछते हैं कि मुझे कौन से कलर की नेल पॉलिश पहननी है। ऑरेंज आईलाइनर, हे भगवान कुछ अच्छा सा कलर आ जाए। व्हाइट कलर का आईलाइनर, लिपस्टिक। गाइज मैं मरते मरते बचूं क्योंकि इसके पीछे येलो कलर था। थैंक यू सो मच भगवान जी। हमने कपड़े और मेकअप की तो कलर चूज कर लिए, और जो खाने का कलर होगा ना वो हम एंड में डिसाइड करेंगे जब हम कन्वीनियंस स्टोर जाएंगे, ताकि कि तब तक मिस्ट्री बना रहे हैं। शॉपिंग करने से पहले हर कन्वीनियंस स्टोर की परंपरा ये है कि हम स्टार्टिंग में हमेशा कुछ अजीब गरीब डीएम फटता है, तो आज भी हम उससे स्टार्ट करते हैं। एक महापुरुष ने लिखा है, आई वॉन्ट टू स्लैप यू। काश मैं भी आपको स्लैप कर पाती, लेकिन मैं जानवरों पर हाथ नहीं उठाती। एक्चुअली आपको जानवर बोल के मैं जानवरों की बेइज्जती कर रही हूँ। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। नेक्स्ट किसी ने लिखा है, तुम बदल गई हो। हाँ मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। Damn, it feels good to be a gangster. एक 300 साल पुराने अंकल जी ने लिखा है, लड़कियों को काम नहीं घर बसाना चाहिए। अरे गिर गई, कहाँ गई? अरे ये रही, आपकी गिरी हुई सोच, आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि बहुत ही छोटी है। खत्म। कौन ये लोग, कहाँ से आते हैं? एक लड़के ने लिखा है, तुम्हें लगता है कि तुम क्यूट हो लेकिन क्यूट नहीं। हाँ क्योंकि मैं अति सुंदर हूँ। और आज का लास्ट टाइम किसी ने लिखा है, ये अफ्रीका का काला कुत्ता। कुत्ते पे नहीं जाना, बोला ना कि कुत्ते पे नहीं जाना। ये मासूम सा थोकड़ा कुत्ता नहीं, मेरी जायदाद का इकलौता वारिस है। लगता है मोंग सो गया। एनीवे गाइस, अभी फालतू की बकवास थोड़ी बंद करते हैं, और अभी हम जाएंगे जवानों के अड्डे में कुछ कपड़े और मेकअप की शॉपिंग करने के लिए, और मेरे साथ मेरा छोटा भाई जाने वाला है। सेक्स? नहीं पुष्पिंदर नहीं, मेरा दूसरा छोटा भाई जो कि है अजय। अभी हम डाउनटाउन चलते हैं। गाइस आसमान से डैंड्रफ गिर रहा है। देखो स्नो कितनी सुंदर है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और एक प्लस पॉइंट बताओ, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है ना तो ऐसे दिखेगी भी नहीं, ऐसा लगेगा कि स्नो हो रही है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जब भी इतनी सारी स्नो होती है ना तो आप एक विश कर सकते हो, और जो भी आप विश करोगे ना वो सच होता है। तो प्लीज आप कमेंट में अपनी विश लिखना। ओके गाइस, फाइनली अभी हम डाउनटाउन में आ चुके हैं, आपका प्यारा डाउनटाउन जो कि आप लोग जवानों के अड्डे के नाम से भी जानते हैं। डैंड्रफ कुछ ज्यादा ही हो रही है अभी गाइस यहाँ पे। सबसे पहले हम कुछ कपड़े खरीदते हैं, और कपड़ों में हमारा कलर आया था ग्रीन। और बाय द वे देखो पीछे कान है मेरे। यहाँ पर रहा जे होप, क्योंकि यहाँ पर एकेडमी से इस बिल्डिंग में से जे होप ने डांस सीखा था। यहाँ पर रहा H&M। अच्छे से जूते साफ कर लेते हैं। गाइज मैंने अलग अलग ग्रीन कलर शेड्स के कपड़े ले लिए, तो इनको सबको ट्राई करते हैं। अभी मैं फटाफट ये कपड़े एक के बाद एक चेंज करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। So guys, ये रहा मेरा आउटफिट नंबर uno. I think मैं ये वाले कपड़े खरीदने वाली हूँ, काफी अच्छे लग रहे हैं और कम्फर्टेबल भी है। और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आप मेरे ये डोले शोले देख सकते हैं। इतना
इतने मस्त डांस के लिए एक लाइक तो बनता है। अभी हम जो बाकी कपड़े ना वो भी ट्राई करते हैं। ये वाला टॉप कुछ ज्यादा ही क्रॉप है, मतलब मेरा पूरा पेट बाहर आ रखा है, एब्स भी नहीं बना रखे मैंने। और गाइस ये रहा आज का लास्ट ग्रीन आउटफिट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा लूं अभी। बड़ी उम्र में महिलाओं को होती है ये समस्या है। मुझे सिर्फ ये पैंट्स और टी शर्ट पसंद आए और यहाँ पर लिखा हुआ है लुक एट माई बैक, जिसका मतलब होता है पीछे देखो पीछे। कपड़ों की तो शॉपिंग कर ली, अभी हमें खरीदना है ब्लू कलर का मस्कारा और ऑरेंज कलर की नेल पॉलिश, और वो वाली हम खरीदेंगे 250 से। स्टोर के अंदर जाने से पहले आपको अपनी छतरी को सील पैक करना पड़ता है, और मेरे हाथ में कैमरा था तो मैं नहीं कर पा रही थी, तो एक स्वीट लेडी ने मेरी हेल्प करी। क्या मस्त चीज है, मस्कारा मिल गया गाइस ब्लू कलर का, व्हाइट कलर का आईलाइनर और ये ऑरेंज कलर के नेल स्टिकर। गाइस आई विश कि आप मेरे साथ होते यहाँ पर और ऐसे बर्फ में डाउनटाउन में जवानों के दिन। गाइस इन पेड़ों को देखो, ये नंगे पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर लाइट लगा रखी है और ऊपर लाइट बल्ब भी रहे, वीडियो में इतना सुंदर नहीं दिख रहा जितना मतलब कि रियल आंखों से दिख रहा। अभी हम बस लेके घर पर जाते हैं तो मैं आपको डायरेक्टली कल मिलूंगी। बाय। जैसे ही मैं और अजय बस लेने के लिए जा रहे थे ना, हम एक बेवड़े आजुषी मतलब अंकल मिले जो कि हमारे साथ फोटो खींचना चाह रहे थे, तो हमने भी बोल दिया ठीक है अंकल जी हमारे साथ फोटो ले लो। फोटो खींचने के बाद में आजुषी ने हमें उनका बिजनेस कार्ड भी दिया। चल से चल चल बने से आओ, बाय बाय। मुझे लगा बहुत ही अजीब अंकल जी है, लेकिन एक्चुअली बहुत ही स्मार्ट इंसान है, वो किसी कंपनी के मेडिकल कंपनी के सीईओ हैं। The next day. Guys, मैं रेडी शेडी हो चुकी हूँ और अभी मेकअप पोतने का टाइम हो चुका है। फाउंडेशन, अरे कंसीलर, ये रही पिंक कलर की लिपस्टिक, ब्लू मस्कारा। मस्कारा करने से पहले व्हाइट आईलाइनर लगाते हैं। लेट्स ट्राई। यार इतना गंदा भी नहीं लग रहा ऑनेस्टली। गाइज मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो जो नेक्स्ट से वीडियो होगा ना वो आपके हिसाब से होगा। इसका ये मतलब है कि आप प्लीज कमेंट में लिखना कि मुझे कौन से कलर की विग पहननी चाहिए, कौन से कलर की आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक, कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कलर का खाना खाना चाहिए। कि भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे ना वो मैं चीज फॉलो करूंगी और उसके ऊपर सीवी से वीडियो बनाऊंगी। मैं प्रॉपर भूतनी लग रही हूँ। अभी मैं रेडी शेडी हो गई हूँ, नेल भी हो गए। अजय मुझे कौन सा खाना खाना चाहिए सीवीएस में? अजय ने बोला कि पर्पल नहीं इसके अंदर और ब्लैक भी नहीं, तो पर्पल करते हैं। सो गाइस अभी हम इस 7-11 में खाना खाने वाले हैं। सबसे पहले छापड़ी लेते हैं। इसका कलर मेरे नेल से मैच हो रहा है, पर्पल कलर का नेल रिमूवर, लेकिन ये खा नहीं सकते। ये रहे पर्पल कलर के स्नैक्स। ये पीरियड पैड्स इतने महंगे क्यों हैं? गर्ल्स अगर आप कभी भी कोरिया शिफ्ट होना चाहो ना, तो इंडिया से या अपनी कंट्री से जो पैड्स होते हैं ना पीरियड पैड्स, वो लेकर आ जाना, क्योंकि कोरिया में बहुत ही महंगे होते हैं। और पकड़ कैंडी, ये क्या है पता नहीं, ले लेते हैं। हनी चिप्स, बिस्किट, पर्पल कलर की सॉसेज, ग्रेप जूस। ये कितनी क्यूट है, ये भी ले लेते हैं। गाइस यहाँ पर देखो कितने सारे रामेन हैं, लेकिन पर्पल कलर का एक भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो पैंडा वाला ना यहाँ पर पर्पल कलर में लिखा हुआ है, तो ये वाला ले लेते हैं। आज के लिए बहुत सामान ले लिया, तो इसको पे करते हैं। यहाँ पर बैठ के खाते हैं, एनर्जी नहीं है तो ये प्रोटीन ड्रिंक पी लेते हैं। डोले शोले, इसकी बदबू दारू जैसी है। यार बहुत ही वाहियात है इसका टेस्ट। अजय तू भी ट्राई कर ले, अजय को पूछते हैं उसको कैसा लगता है। अभी हम सॉसेज और नूडल्स की तैयारी करते हैं। रेडी। ये छोटे पैंडास कितने क्यूट हैं। स्पाइसी सॉस डालते हैं। लुक सो वियर्ड। इसको गिराना नहीं है। ये पैंडा कितना क्यूट है। यार मैं इसको कैसे खा सकती हूँ। रामेन के साथ सबसे बेस्ट सॉसेज और जो किमबाप होता है ना वो भी अच्छा लगता है। ये मुर्गी का सॉसेज है। जो कोरियन खाना होता है ना वो मोस्टली स्वीट होता है। अभी हम ये चिप्स ट्राई करते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ऐसा लग रहा है कि जो बेसन के लड्डू होते हैं ना उनको फ्राई करके खा रही हूँ। इस कैरेक्टर का नाम क्या है मैं भूल गई, ये अबे को बहुत पसंद है। लेट्स ओपन। इसके साथ ये स्टिकर आया है, ट्राई करते हैं।
स्टार शेप जेली कैंडी। ये अंडा क्या है मुझे खुद भी नहीं पता, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर यहाँ पर कीचेन है और ये लेमन फ्लेवर वाली कैंडी। टेक वन। पहले वाला जूस बहुत ही बकवास था तो ये वाला पी लेते हैं। चीयर्स। मजा आ गया। अभी ये वाली कैंडी ट्राई करते हैं। इसके अंदर क्या हो सकता है? आई थिंक इसके अंदर कुछ सावर पाउडर होगा। तो इसको ऐसे खोल के आपकी जीभ के ऊपर डालना है। मिंट कलर का पाउडर निकला। बोलो सुबह केसरी। ओह, ये पॉपिंग वाली कैंडी है। जब आप इसको मुंह में डालते हो ना तो वो पॉपकॉर्न की तरह पॉप होने लग जाती है। बहुत ही अजीब सी फीलिंग है। चॉकलेट कुकी। तदान। ये बिस्किट नहीं, बिस्कुट है। बिस्कुट आज का लास्ट। फाइनल इसके अंदर कुछ पर्पल कलर का तो है। प्रसाद क्या रहा ले रहा है। इट्स लाइक अ पाई केक। तो गाइस आज के सिर्फ इतने। अभी ये जो पूरा बिखरा हुआ सामान है उसको साफ करते हैं। मेरी क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है और आई थिंक ये वीडियो बहुत लेट आएगा। प्लीज अपना ध्यान रखना, खुश रहना, हैप्पी रहना। आई लव यू। बाय गाइस। ये आईलाइनर बिल्कुल भी नहीं उतर रहा है। मोमो को मेरा गिटार इतना अच्छा लगा कि वो चाहता है कि मैं और सुनाऊं। और एक बात बताओ, मुझे जो लो वेस्ट जीन्स होती है ना, इससे जो नीचे रहती है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारा मस्कारा में कलर आया था ब्लू और आईलाइनर का कलर आया था व्हाइट। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मैं बोल भी नहीं पा रही। ओ माय, तेरा नहीं है मेरा। मामा, 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 मामा,